आज हम सीखेंगे कि आपको रिजाइन कैसे करना है, रिजाइन ईमेल कैसे लिखते हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि आप लेटर लिखें रिजाइन का, अब ईमेल का जमाना है और लोग ईमेल से ही रेजिग्नेशन भेजते हैं और इसी पर एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि इस तरह से ये एक रिकॉर्ड भी आपके पास सेव रहता है, कंपनी के पास भी रहता है और कंपनी छोड़ने के पास आपकी मेल आईडी में भी ये सेव रहता है। तो आज प्रॉपर तरीका क्या है रेजिग्नेशन डालने का, जिससे आपका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट हो जाए और आपका फुल एंड फाइनल भी कहीं ना अटके, यानी सब कुछ सही ढंग से हो जाए और आपको जितना भी सैलरी मिलता है, जो भी कंपनसेशन मिलता है, वो सही तरीके से मिल जाए। अब हम चलेंगे कि मेल में क्या लिखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग होते हैं कंपनी छोड़ देते हैं लेकिन ना ही कंपनी को बताते हैं, या कुछ लोग केवल फोन करके अपने मैनेजर को बता देते हैं लेकिन वो मेल नहीं डालते। ये तरीका बहुत ही गलत है और इन फ्यूचर कंपनी आपके खिलाफ कोई भी चोरी का मुकदमा या कोई भी एक्शन, झूठा एक्शन भी ले सकती है। इसीलिए सबसे सेफ साइड होता है कि आप जिस दिन नौकरी छोड़ रहे हैं उस दिन मेल जरूर डाल दें, चाहे वो मेल एक्सेप्ट हो या ना हो, आपके पास रिकॉर्ड हो जाता है और कंपनी के पास भी रिकॉर्ड हो जाता है और कोई भी आप पर इलीगल एक्शन नहीं ले सकता। अब आ जाते हैं मेल में हमें क्या लिखना है। तो मेल में सिर्फ ये लिखना है, डियर सर, ड्यू टू माई पर्सनल रीजन आई वॉन्ट टू रिजाइन माई पोस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक जो मैं बता रहा हूं ये सभी जगह यूज हो जाएगा, चाहे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कंपनी के साथ, मैनेजर के साथ कुछ भी रहा हो, वो चीजें मेल में हम नहीं लिखते हैं, वरना जो हमारा फुल एंड फाइनल है वो अटक सकता है या हमारे खिलाफ कुछ कंपनी की तरफ से या मैनेजर की तरफ से भी साजिश हो सकती है। इसीलिए चुपचाप हमें एक ऐसा मेल लिखना चाहिए ना कंपनी के ऊपर बात हो, ना मैनेजर के ऊपर बात हो, ना हमारे ऊपर बात हो, और हमारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाए। तू मैं करने से कोई भी फायदा नहीं होगा जब तक कि आपको कोई अच्छा सा लॉस या बड़ा लॉस ना हुआ है। तो मैक्सिमम लोग इसी तरह का रिजाइन डालते हैं और मैं ये बता रहा हूं, अगर आपको कुछ और भी लिखना है तो आप इसमें लाइन ऐड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने डाल दिया ड्यू टू माय पर्सनल रीजन, अगर मुझे किसी दूसरी कंपनी में जॉब मिल गई है या मैं इस कंपनी से हैप्पी नहीं हूं या मैनेजर से मेरी नहीं बनती या मैं इस कंपनी को छोड़ के कुछ और काम करना चाहता हूं, जो भी रीजन रहा हो मैं उसको यहां पर नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ एक मोटा मोटा रीजन दे रहा हूं कि मेरा पर्सनल कारणों से मैं कंपनी छोड़ रहा हूं। तो ड्यू टू माय पर्सनल रीजन आई वांट टू रिजाइन माय पोस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपनी पोस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिजाइन करता हूं। आई लर्न मैनी गुड थिंग्स फ्रॉम दिस कंपनी एंड मैनेजमेंट, मैंने कंपनी और मैनेजमेंट की यानी मैनेजर की तारीफ भी कर दी कि मैंने यहां से बहुत कुछ सीखा है, कंपनी से भी और मैनेजर से भी। अब इसके बाद आती है, अगर मेरे को नोटिस पीरियड सर्व करना है यहां पर, तो मैं नोटिस पीरियड के अकॉर्डिंग डेट डाल दूंगा कि इस तारीख तक मैं काम करूंगा, आने वाले फ्यूचर में इस तारीख तक मैं काम लास्ट करूंगा। तो मैंने डाल दिया एज एडवांस नोटिस पीरियड माय लास्ट वर्किंग डे इज 30 अप्रैल, यहां पे 2020 है लेकिन अब 22 चल रही है, गलती से मिस्टेक हो गया, तो यहां पर लिख देते हैं 2022। मतलब जो भी अगर एक महीने का नोटिस पीरियड देना है तो हमने यहां पर एक महीने का एडवांस का डाल दिया, जिस डेट को भी आप छोड़ना चाहते हैं वो डेट डाल दीजिए, अगर आज छोड़ना चाहते हैं तो आज ही डाल दीजिए। तो एज हो जाएगा एज एडवांस नोटिस पीरियड माय लास्ट वर्किंग डे इज, टुडे की डेट डाल दीजिए, आज की डाल दीजिए, कल की डाल दीजिए, एक महीने बाद की, दो महीने, तीन महीने, जैसा आपका नोटिस पीरियड लिखा हुआ है। वरना काफी सारी कंपनियों में अगर आपने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया है तो कंपनी आपको पेनल्टी भी मार सकती है, यानी उतनी सैलरी आपके ऊपर निकाल सकती है और आपसे हर्जाना भी ले सकती है। तो ये डाल दिया, आई प्रे फॉर कंपनी फ्यूचर ग्रोथ, मैंने कंपनी के बारे में भी अच्छा लिख दिया कि मैं कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ की कामना करता हूं। इसके बाद अगली लाइन में यहां पर मैंने लिखा है प्लीज एक्सेप्ट माई रेजिग्नेशन, इसके बाद थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिख देना है, अपना नाम लिख देना है और अपना एक फोन नंबर लिख देना है जो हमेशा
आपके काम आए। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि कंपनी की आईडी जो बनी होती है मेल आईडी, उससे वो रिजाइन भेजते हैं। तो क्या होता है कि जब उनका रिजाइन एक्सेप्ट हो जाता है या कंपनी उनकी आईडी ब्लॉक कर देती है, तो उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं रहता कि उन्होंने रिजाइन दिया था, या कहीं भी अगली जॉब में दिखाने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं रहता। इसीलिए कभी भी कंपनी के द्वारा बनाई गई आईडी से रिजाइन नहीं डालना चाहिए, अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से ही रिजाइन डालना चाहिए, ताकि आने वाले 2-4 सालों तक आपके पास वो सबूत रहे, और दूसरी जगह अगर नौकरी करने जा रहे हैं तो आप दिखा सकें कि मैंने उस कंपनी में रिजाइन कर दिया है। एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो भी चल जाएगा। तो अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से आपको ये रेजिग्नेशन मेल डालना है। अब रेजिग्नेशन मेल में एक सबसे बड़ी बात आती है कि इसके कुछ कायदे कानून भी हैं। क्या है रेजिग्नेशन मेल में नीचे आएंगे तो किसको करनी है रेजिग्नेशन मेल। अगर कंपनी में काम कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हो, तो सीधा एचआर डिपार्टमेंट को मेल में, मतलब जो मेल में मैन आदमी रहेगा एचआर डिपार्टमेंट का, या आपका जो भी रिपोर्टिंग मैनेजर का बॉस है आपके, मतलब आपके डिवीजन का, आपके जैसे सेल्स में है, फाइनेंस में है, तो उसका एक हेड होता है, तो उसको डालेंगे मेल आईडी, उसकी डालेंगे मेल टू में। उसके बाद सीसी कर देंगे, यानी इससे जुड़े हुए जो आपके रिपोर्टिंग मैनेजर है, आपकी कंपनी का ओनर है, आपका सीईओ है, या और भी मैनेजर हैं जिनको इस रिपोर्ट में रखना है, तो सीसी में हम उन्हें भी डाल देंगे, ताकि उन तक भी हमारी मेल पहुंच जाए और सभी लोग एक लूप में रहें। कभी कभी अगर हम लूप में सीसी में और मैनेजर को नहीं रखते हैं, जैसे कि हमारा रिपोर्टिंग मैनेजर हो गया या हमारे डिपार्टमेंट का कोई मैनेजर हो गया जिसकी मुझे रिपोर्टिंग है, या जो मेरी, मतलब उसकी टीम में मैं आता हूं, तो ऐसा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता है। तो यहां पर सीसी में ये चीजें डाल दीजिए। एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए, कभी भी अपने साथ में अपनी अपनी जॉब के बराबर जो काम कर रहा है सहयोगी एम्प्लॉई, उसका मेल आईडी नहीं डालना चाहिए, और अपने से छोटे एम्प्लॉई का, यानी अपनी टीम में जो लोग हैं, आपकी टीम में जो लोग हैं आपसे नीचे वर्किंग करते हैं, उनका मेल आईडी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट होता है। इसीलिए आपके ऊपर जो रिपोर्टिंग मैनेजर है, उसका जो बॉस है, कंपनी का जो ओनर है, सीईओ है, एचआर डिपार्टमेंट है, उसमें से किसी का भी मेल आईडी हम सीसी में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम एक अच्छा रेजिग्नेशन लेटर लिखते हैं जो कि 100% एक्सेप्ट हो जाता है। अब अगर इंडिया की बात करें तो यहां पर क्या होता है कि लोग जब मैनेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सेप्ट करने का मतलब है वो मेल का कोई रिप्लाई नहीं देता, तो आप इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपने मेल भेज दिया, अब आप कहीं भी जॉब सर्च कर सकते हैं, और वहां पर अगर कोई भी कहता है कि आपने जो रिजाइन किया है वो मेल आईडी दिखा दीजिए, तो आप इसको दिखा सकते हैं, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में कुछ इस तरह के भी लोग हैं जो मेल का रिप्लाई नहीं करते और उस पे एक्सेप्ट भी नहीं करते, लेकिन आपने कंपनी छोड़ दी है, तो ये आपके पास प्रूफ है। सबसे बड़ी बात है कि अपनी मेल आईडी से ही आप मेल करें, जो आपकी पर्सनल मेल आईडी है, कंपनी ने जो बना के दी है उससे बिल्कुल भी ना करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें।